क्या सात बजे इस तरह है जैसे 6 बजे हों। जो भी न्यू मेंबर चैनल पर आते हैं वो सब्सक्राइब करके और फुल वॉच करके अपना कमेंट छोड़ दो, मैं अपने आप आ जाऊंगे आपके चैनल पर। अपना पहले अपना पानी गर्म करना, 2 दिन और कल संडे, सोमवार से चेंज कर दिया करूँ फिर मैं पानी को, ना एक ही वीक लेती हूँ एक चीज़ का पानी, कई दिन लगातार नहीं लेती। फिर इसने थोड़ा ना ज़्यादा गर्म ना और बिल्कुल ठंडा बीच से का सिप सिप करके थोड़ा हाँ पी लूँगी। थोड़ा हाँ बॉडी को गर्म करके मैंने पहले थोड़ा वार्म अप किया करूँ फिर एक्सरसाइज करने लगती हूँ मैं, एकदम नहीं लगती। और जो साथ में कर रहे हैं उनके लिए मैं संडे को नहीं करती भाई, संडे को मैं रेस्ट करती हूँ, चाहे मैं रेगुलर करूँ या कुछ। वैसे मैं छोड़ भी नहीं रही क्यों, पेन भी है मेरे को पता है, 2-4 दिन ही होता है, 2-3 दिन हुआ था अब नहीं हो रहा मेरे को, तो अब ठीक है तो अब नहीं करती मैं क्यों, सारी पेट की ही चली हुई है। तो ये एक्सरसाइज 10 बार ऐसे किया था मैंने, 3 बार फिर 10 10 बार किया था, तो अच्छी एक्सरसाइज है ये, ब्रिज है, मैं कर लेती हूँ आराम से। 3 बार ये किया था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार दरवाजे खोल दूँ, आज तो 7 बजे के ना, धुंध सी होगी कुछ, मौसम ना कुछ ऐसा हो रहा है, धुंध सी का 7 बजे ना स्मोक सी हो रही है कुछ। सारे दरवाजे और लॉक खोल के ना फिर मैं छोले उबलने रख दिए थे बच्चों के, जो सैलेड बना के खाते हैं सफ़ेद छोले थे वे रखे थे, तो माँ की चाय रख दी थी। आजकल मेरी माँ फिर लेट रही है, जिस दिन भी ब्याह में जावे है आंदा ही फिर लेट जावे है, और मानती है नहीं, कह भी लिया ना किसी ने मत लिया करो अकेले हो जा जाया करो, फिर जाती है। 2 किलो दूध का निकालती हूँ क्यों, सारा ही पड़ा हुआ है, एक दिन फिर गाजर पाक बन जाएगा। यो रख दिया मैंने पनीर के लिए, नींबू का रस निकाल दिया, बॉइल्ड होगा जब मैं डालती रहूँगी दिखाऊंगी कैसे निकालती हूँ, और कुछ मैं फिटकरी वगैरह कुछ नहीं डाला करती, तो नींबू का रस ही डाला करो तो दिखा। मैं इस तरीके से नींबू के रस से फाड़ती हूँ पनीर बनाती हूँ, कौन कैसे बनाता है भाई बता दियो, मेरा तो यही है, मैं फिटकरी में मेरे को मज़ा नहीं आया करता, फट तो जाता है जल्दी पर उसमें मेरे को नहीं ठीक लग्या करना, नींबू वाला ही मेरे को ठीक लग्या करे। कई बार मैंने भी फाड़ा है फिटकरी से जब नींबू नहीं होता, पर मेरे को नहीं, थोड़ा टेस्ट से मेरे को लगता है मेरे को, मैं हमेशा नींबू में ही बनाती हूँ ज़्यादातर। थोड़ी देर में और पनीर बन जाएगा मेरा, थोड़ी देर में फिर दिखाती हूँ, पनीर बन ही गया मेरा, 2-4 मिनट में हो रहा बस हो जाएगा, बंद कर दूंगी, दिखने लग गया ना अलग सा। मलमल के कपड़े में कितना अच्छी तरह बना है, मजा होगा तो फिर नुकसान ही है ना, तो थोड़ा ये ठंडा हो लेगा ना फिर छानते हूँ इसको। मैं ये मलमल का कपड़ा रखा करूँ सफ़ेद, 2-1 मीटर ले आया करूँ इकट्ठा, तो कई साल चल गया था, अब ये थोड़ा ही रह रहा है उसमें से काट लेती थी, तो इसमें फिर मैं ये दो थोड़ा धो दिया था, वो खट्टापन हाँ ना रहे नींबू का ना, तो थोड़ा ही करा करूँ, ज़्यादा नहीं धोया करती। पनीर यहाँ लटका दिया है टपक लेगा, फिर इसके ऊपर कुंडी मार डालूंगी, कोई हैवी बर्तन होगा ना वो डालूंगी, वो भी देख पानी निचुड़ गया था, अब इसकी इस मोटी गांठ को खोल गए ना और फिर ये कर दूंगी ना, उस गांठ का बीच में आ जाएगा ना बोझ के वेट में, ये बोझ अब इसके ऊपर रख दिया, जो बचा हुआ था सारा निकल जाएगा। मैं इसी तरह कराया करूँ क्यों, अकेली इसको रखूंगी तो फिर वो निशान सा पड़ेगा, अब इससे प्लेन हो जाएगा सारा,
लो जी मेरा पनीर निकल गया। अब थोड़ी देर इसमें रख के फ्रिज में रख दूंगी। अब बच्चे इसको कच्चा खाने कच्चे सैंडविच में डालने सैंडविच में, तो दूध बचा हुआ था तो पनीर ही हो गया तैयार। फिर मैं रायता लगी थी बनाने गाजर का, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो खाने वाले दो ही जने थे, मेरी माँ ने फिर कह दिया मैं ठंडा कुछ नहीं खाऊंगी। तो मैं चल ठीक है तने दूध दे दूंगी, हम अपनी दो कटोरी बना लेते हैं। फिर कपड़े दो सुखाने गई थी मैं ऊपर छत पर, मिट्टी मिट्टी हो रही थी क्यों अब छत पर ही बैठना पड़ा करेगा धूप में। तो मैं चल आई हुई तो हूँ इसको साफ कर देती हूँ। तो उसको लगी थी कितनी धूल उड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी। अब तो सारा पहले करके भी आए थे पर आज फिर इतना ही रेत हो रहा था इस पर, हो ही जाता है असल में छत पे तो। और फिर साइड में मकान बन रहे हैं पड़ोस में, साइड में तो नहीं पाँच चार मकान छोड़ गए धूल। और जब तक मेरे को यूं भी नहीं पता था मेरी पोछे वाली नहीं आएगी, मैं तो अपना उससे लगी हुई थी। सारा काम हो गया आज, फिर झाड़ू पोछा में नहीं करना पड़ेगा क्यों मेरी अनीता का कोई डेथ होगी बेचारी के, रात को उसको जाना पड़ा तो इंतजार करके मैं तो अब तक निमटी हूँ, 12:30 बजे तक निमटी हूँ। क्यों 11 बजे फ़ोन करा था मैंने इंतज़ार करके मैं आएगी कि नहीं, फिर उसकी बेटी ने फ़ोन उठाया नहीं आएगी आंटी, तो कोई डेथ होगी रात को ही निकलेगी। मैं चल कोई बात नहीं मैं कर लेती हूँ। तो एक बार मार्केट जा रही हूँ, कल कह रही थी मैं सर्वाइकल हो गया ना सारा वो बैंड वाले गले डालने से, अब सारे सूट डाल के आ रही हूँ। सारे शर्ट हैं, 5 शर्ट हैं, 5 डाल के आऊँगी। अब उसको 5वां के पीछे से उतरवाऊँगी, तो उनसे होता है ना जिसका हो, मैंने 4-5 दिन वो चीज़ नोट करी थी इसलिए मैं कह रही हूँ, क्यों कई कह देते थे मेरे होता है मैंने वो उतरवाना पड़ा, तो वो चीज़ मैं करके देख रही। मैं देखा रेगुलर डालने से होता है कि नहीं होता है, मैंने सारे रेगुलर ही डाल के देखे बैन वाले। मैं स्टार्टिंग में डालूंगी तो फिर हो जाए, क्यों सर्दियों में मेरे को भी करता है दिक्कत जब मैं बैन वाले डालती हूँ तो अब की बार ये स्टार्टिंग में ही मैंने मैं इसी के कारण हो रहा था, तो अब मेरे को यूँ है मैं इनको डाल लाऊँ। जब भी मेरे को होता था इन्हीं गलों के कारण होता था, क्यों मैं तो डेली एक्सरसाइज करती हूँ मेरे को नहीं होता था, ये मैंने रेगुलर डाले हैं 4-5 दिन अब, उससे लगा मेरे को हाँ भाई होता है वाकई में ही होता है। तो अब मैं एक बार इनको डाल के आती हूँ, तो देखते रहिए, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो, जो भी न्यू आते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करा करो। मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, शुक्रिया और थैंक यू।